हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी, होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी पहले की तरह अच्छी हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ये एक ट्रेडिशनल ड्रेस है और इसका नाम है छुवा। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये आज पहन लिया और एक दो रील बनाए थे मैंने इंस्टाग्राम पे। तो मैंने पिछले कल या उससे पिछले कल एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर की थी, आस्क मी अ क्वेश्चन। तो उसमें आप लोग मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर मैं यूट्यूब पे दूंगी, और वो भी एक व्लॉग बना के अलग से। तो आज वो वक्त आ चुका है, तो चलो आप सभी के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है विनोद ठाकुर ने, कहाँ है आपका घर? तो मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ लाहौल स्पीति से, स्पीति की से हूँ मैं। मेरे गांव का नाम है की, थोड़ा अजीब होगा जिसने नहीं सुना। और सेकंड क्वेश्चन है नितिन शर्मा, उन्होंने मुझसे पूछा हुआ है कॉफ़ी डेट विद मी। तो आज तक तो मैं किसी के साथ कॉफ़ी डेट पे गई नहीं हूँ, तो नहीं, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछा हुआ है क्वीन ऑफ द, Who do you like the spend the most time with? तो मैं आपको बता दूँ, मुझे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना मेरी बेस्टी के साथ लगता है, जिसने अभी मेरा कैमरा पकड़ा हुआ है। हाय बोल। हाय। और फोर्थ क्वेश्चन है मित्तू तेरा, आपसे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बांकी शोरी। नहीं, मेरे से बात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरी फ्रेंड एक आंचल क्लासमेट, उसने मेरे से पूछा हुआ है तू मुझे कभी भूलेगी तो नहीं? नहीं यार, तुझे मैं कैसी भूल सकती हूँ, तू मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, तुझे तो मैं कभी नहीं भूलूँगी, तू मुझे मत भूल जाना। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ मेरे से नेगी दीक्षु, प्रोफाइल आपकी खूबसूरती का क्या राज है? आपको मैं खूबसूरत दिखती हूँ? नहीं, बट असल में मैं हूँ नहीं, ये तो बस फिल्टर का कमाल है। मेरी बेस्टी भी मेरा मजाक उड़ा रही है। तो इट्स शिवानी ने मेरे से पूछा हुआ है हाउ आर यू? आई एम फाइन, तू कैसी है? कुनस कुनस कुनस, दिल पर छा गई हो तुम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इट्स पहाड़ी। मैं आपके दिल पर छा गई हूँ? और चेतन 07, ये क्या बोल रहे हैं आप? आई लव यू, क्या मतलब इसका? रोहित, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरी क्लास का एक लड़का है रोहित, फ्रेंड है मेरा, उसने पूछा हुआ है किधर से है तू, किधर से? मैं हूँ धरती से। मैं हूँ लाहौल स्पीति से, स्पीति की से। और आपकी क्यूटनेस का क्या राज है? आप हमको बहुत अच्छी लगती हो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आर वी राजपूत ने। तो मेरी क्यूटनेस का कोई राज नहीं है, आपको मैं अच्छी लगती हूँ। नहीं, थैंक यू। आरती बोथ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे से पूछा हुआ है स्टे हैप्पी एंड यू आर डूइंग वेल, आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग यू एंड लॉस्ट ऑफ लव फॉर, तो लव यू टू, तो थैंक यू। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ मेरे से चौधरी ने, आप इतने खूबसूरत क्यों हो? थैंक यू खूबसूरत बोलने के लिए मुझे, मैं नहीं हूँ खूबसूरत। हिमांश, आप सुमित को हाँ करोगे या ना? सुमित आपको लाइक करता है और वो आपको बताने से डरता है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि सुमित मेरा बचपन का फ्रेंड है, 6th क्लास से हम साथ में पढ़े हैं, तो आप हमारी फ्रेंडशिप को ख़राब मत करो, जैसे वैसे रहने दो। उसने तो नहीं बोला ना, तो आप ऐसे मतलब उठपटांग क्वेश्चन मत पूछा करो मेरे से। तो सुमित मेरा सिर्फ फ्रेंड है और फ्रेंड ही रहेगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है लंजम एंड कर्मा इज़ योर रियल सिस्टर? हाँ जी, लंजम और कार्जन मेरी रियल सिस्टर है। लंजम मेरी बड़ी सिस्टर है और उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं हूँ, और कार्जन छोटी सिस्टर है। और कार्जन ने पूछा हुआ है मेरे से क्वेश्चन शिमर किसका नाम है, तो मैं बता दूँ शिमर तेरा नाम है, तेरा। तो तेरा नाम मैंने शिमर रखा था, तू शायद भूल गई है, तो तेरा नाम है शिमर, याद रखना अब।
गाइस थक गई है बेचारी मेरा कैमरा पकड़ के वगैरह। तो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और इसको मेरे साथ ये पागल है ऐसे बोलती है करने को सवाल क्या बोलूं सुनसान तू ही बोल दे कुछ। सो थैंक यू सो मच इसका ब्लॉग देखने के लिए। सो इसी तरह आप इसको सपोर्ट करते रहे जैसे मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। सो आप सबको ढेर सारा प्यार हमारा, बाय। क्या हुआ बस दिखाओ मुझे मत दिखा यार। सो गाइस ये एक पागल है और मैं इस पागल को पत्नी कितने सालों से जेल रही हूँ। सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, होप आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस ज़रूर कर देना ताकि टाइम टाइम पर आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो बाय।